दोस्तों, आज संसार में एक चीज़ की कमी बड़ी महसूस हो रही है। वो क्या है? समय। किसी को भी पूछिए, वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। क्या वजह है? समय नहीं है? ऐसा क्यों? हमने तो बहुत एडवांसमेंट की है। समय बचाने के लिए हमने पहले जब हम पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, अभी तो हमारे पास गाड़ी है, बाइक है। पहले हम हैंड वॉश करते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, आज हमारे पास वॉशिंग मशीन आ गया। और पहले हम सारे चीज़ मैन्युअली करते थे, आज सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया। तो ये सब होने के बावजूद भी हमारे पास समय नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ इसके पीछे क्या राज है, क्या फिलॉसफी है, आपके साथ शेयर किया जाए। महाभारत में एक लीला आप लोग सुने होंगे। भक्त सुदामा जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, तो भेंट देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने पड़ोसी के घर से एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांग के लेके जाते हैं भगवान कृष्ण से को भेंट देने के लिए। और जब वो द्वारका पहुँचते हैं और द्वारका में देखते हैं बहुत सारा जो भगवान जी के ऐश्वर्य को देखते हैं, तो उनको बड़ा शर्म महसूस होता है और वो चावल देते ही नहीं हैं। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान जानते हैं कि मेरा मित्र अगर आया है तो ज़रूर प्रेम से कुछ ना कुछ चीज़ तो मेरे लिए लेके आया होगा। तो वो भगवान सुदामा जी से चावल छीन लेते हैं, एक मुट्ठी चावल छीन लेते हैं और उसको बहुत आनंद के साथ भगवान उसको खाते रहते हैं। और जब सुदामा द्वारका से फिर वापस लौटते हैं अपने शहर में, वापस आने के बाद वो देखते हैं कि उनका पूरे शहर में जितने भी घर था, सारे सारा महल बन चुका है। वो इवन अपने अपना घर को भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत सुंदर महल बन चुका था। और उनकी पत्नी बहुत सुंदर सज धज के उनकी स्वागत के लिए खड़ी थी। इतना सब करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। भगवान कहते हैं कि सुदामा मुझे देने के लिए दूसरे के घर से भिक्षा मांग के लेके आया, और मैं अगर किसी से भिक्षा मांग के उसको देता तब जाके बराबर होता, लेकिन मैं किससे मांगू? ये पूरा सृष्टि तो मेरा है और ये सृष्टि के बाहर कुछ चीज़ है ही नहीं, मैं किससे भिक्षा मांगू? और एक लीला लेते हैं। एक और महाभारत में लीला है जिसमें राजसूय यज्ञ के बाद जब युधिष्ठिर महाराज जी के सभा में सारे पृथ्वी के सभी राजा महाराजा उपस्थित है, और वहाँ पे शिशुपाल भी उपस्थित थे, और शिशुपाल भगवान कृष्ण से कुछ द्वेषपूर्ण बात कर रहे थे और कुछ अपराध करे जा रहे थे। पूर्व भगवान कृष्ण जो शिशुपाल के माँ को वचन दिए थे कि मैं शिशुपाल का 100 अपराध माफ करूँगा, और जैसे ही उस सभा में शिशुपाल का 100 अपराध पूरा हो जाता है तो भगवान कृष्ण तुरंत सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं। लेकिन जब वह सुदर्शन चक्र वापस आता है तो भगवान कृष्ण की उंगली में एक छोटा सा चोट लग जाता है, और तुरंत द्रौपदी महारानी वहीं पे खड़ी थी और उन्होंने अपने साड़ी फाड़ के और उसी जो है भगवान कृष्ण के उंगली में वो बांध देते हैं। और बाद में हम देखते हैं जब द्रौपदी चीरहरण का समय था, उस समय
भगवान कृष्ण वस्त्र अवतार बन जाते हैं और द्रौपदी महारानी की सुरक्षा देते हैं। तो ये दोनों लीला से हमें पता चलता है कि भगवान किसी की ऋणी रहना नहीं चाहते हैं। भगवान जो है वो कोई अगर कुछ भी देता है तो भगवान उसका कई गुना वापस करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे दोस्तों, समय भी भगवान जी का है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं अहम कालोस्मी, तो समय भी भगवान जी का है, और अगर आप भी समय देंगे तो भगवान भी आपके समय को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना भी कर सकते हैं। आपका 24 घंटा 48 घंटा हो सकता है, 72 घंटा हो सकता है, 96 घंटा हो सकता है, 240 घंटा भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको ये सीखना होगा कि भगवान जी को कैसे समय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।